brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. सारे प्रत्याशी तो यूपी में कांग्रेस ने फाइनल कर लिए, लेकिन रायबरेली अमेठी में क्यों फंस रहा है पेच? क्या है इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी, हम आपको बताते हैं। कांग्रेस की सीईसी की एक और बैठक हो गई। बैठक में उत्तर प्रदेश के जो बचे हुए प्रत्याशी थे उन पर डिस्कशन भी हुआ और कई प्रत्याशियों के नाम फाइनल भी हुए। इससे पिछली जो बैठक हुई थी उसमें भी उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम उसके बाद घोषित किए गए थे, लेकिन कई सीटों पर प्रत्याशी बाकी रह गए थे। तो नए जो प्रत्याशी हैं उस पर भी डिस्कशन हो गया। कुल मिला के यूपी में 17 सीटों पर कांग्रेस को लड़ना है। 2 सीटों पर अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं कर पा रही है, वो है रायबरेली और अमेठी। तो इसके पीछे की 3-4 बड़ी वजह हैं जो अभी तक कांग्रेस इस चीज़ की गुत्थी सुलझाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही। सबसे पहली तो यही वजह है कि कांग्रेस से जुड़े सूत्र इस बात का दावा कर रहे हैं कि गांधी परिवार इस बार रायबरेली अमेठी को लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। ख़ासतौर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की टीमें रायबरेली और अमेठी को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ एक ही कारण है कि उनमें से किसी को या हो सकता है दोनों को चुनाव लड़ना पड़ जाए, वो है सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी ये गढ़ नहीं छोड़ना चाहती। सोनिया गांधी ने रायबरेली वासियों को लेकर जो पत्र लिखा था और वो पत्र का कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर भी डाला था, उस पत्र में सोनिया गांधी ने ये कहा था कि उनका परिवार आगे भी रायबरेली के लिए यूं ही लड़ाई लड़ता रहेगा और रायबरेली की सेवा में लगा रहेगा। लेकिन कांग्रेस अभी तक रायबरेली और अमेठी के लिए प्रत्याशी ढूंढने में अभी तक एक तरीके से कहा जाए तो कामयाब नहीं हो पाया। मैं प्रत्याशी ढूंढने की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी से नहीं लड़ते हैं तो कोई दूसरा विकल्प समझ ही नहीं आ रहा। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों की माने तो पिछले दिनों कांग्रेस से जुड़ी ही एक टीम ने रायबरेली और अमेठी के लिए पर्टिकुलरली एक सर्वे कराया। उस सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अगर गांधी परिवार नहीं लड़ता है या फिर गांधी परिवार के अलावा आप कोई प्रत्याशी बताएं। उस सर्वे की फाइंडिंग्स तो बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं आई क्योंकि उसमें बड़ा मिक्स्ड रिस्पॉन्स था। ज़्यादातर लोगों ने उस सर्वे में ये कहा कि गांधी परिवार को ही लड़ना चाहिए। हालांकि कुछ नाम ज़रूर आए, जैसे अमेठी में दीपक सिंह का नाम चला, अमेठी के लिए प्रमोद तिवारी का भी नाम चला। उसी तरह रायबरेली के लिए तो कोई खास नाम आया ही नहीं। प्रमोद तिवारी के नाम ज़रूर सर्वे में ज़रूर एक ऑप्शन के तौर पर 3-4 नेताओं का जब जिक्र किया जा रहा था तो अजय लल्लू और उसमें तो अजय राय जो बनारस में टिकट मिल गया है उस वो भी नाम लोग दे दे रहे थे। बाकी लोकल वहाँ पे केएल शर्मा जो कि सोनिया गांधी का एक तरीके से वहाँ पे प्रतिनिधित्व वहाँ पर करते हैं और उनका रायबरेली का पूरा मैनेजमेंट चुनाव का वही देखते हैं, उनका नाम भी चला। तो इस तरह के 3-4 नाम ज़रूर चले। नाम तो अब सोशल मीडिया पर एक तरीके से कहा जाए सुप्रिया श्रीनेत का भी चला कि उनको रायबरेली लड़ा दिया जाए। तो इस तरीके से 4-5 नाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ज़रूर चले, लेकिन रायबरेली को लेकर और अमेठी को लेकर कोई भी कंक्रीट नाम नहीं निकला। खासतौर से रायबरेली में तो दूसरा विकल्प कांग्रेस ढूंढ ही नहीं पा रही है। वहीं प्रियंका गांधी की ओर से अभी तक कुछ भी इशारा नहीं किया गया है कि वो चुनाव लड़ेंगी भी या नहीं लड़ेंगी। दूसरी तरफ ये बात भी देखने दिलचस्प है कि बीजेपी ने अभी तक रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतारा है, क्योंकि बीजेपी भी इंतज़ार कर रही है कि प्रियंका गांधी अगर लड़ेंगी तो उसी तरह का फिर कोई हाई प्रोफाइल चेहरा उतारा जाएगा रायबरेली में। अगर वो नहीं लड़ती हैं तो फिर देखा जाएगा कि कौन लड़ेगा या फिर किसको उतारा जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी टिकट के लेकर लगे हुए हैं। मनोज पांडे बीजेपी के तमाम आला नेताओं से मिल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनका लोकसभा में टिकट हो जाए। सुल्तानपुर तो अब मेनका गांधी का लड़ना तय हो गया है, ऐसे में रायबरेली को लेकर उनकी जोर आजमाइश चल रही है। वहीं रायबरेली से बीजेपी के पास नाम तो बहुत है लेकिन कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो सोनिया गांधी के बाद अगर बात की जाए सांसद के तौर पर, वहाँ पर अगर प्रियंका गांधी लड़ती हैं तो वहाँ पर उनका मुकाबले के लिए कोई हाई प्रोफाइल नाम ऐसा बीजेपी ने अभी तक खास तौर से तक सामने तो नहीं आया है। नाम दिनेश सिंह का चल रहा है जो कि यूपी में मंत्री भी हैं और रायबरेली के रहने वाले हैं, MLC हैं और कांग्रेस के दौर में भी MLC बने थे, बाद में बीजेपी आ गए थे। नाम वहाँ पर आदित्य सिंह का भी चल रहा है जो वहाँ की विधायक हैं। नाम वहाँ पर नुपुर शर्मा का भी चल रहा है जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रही, उसके बाद विवादों के बाद
वो एक तरीके से चर्चा से गायब हो गई। नाम उनका भी चल रहा है, नाम मनोज पांडे का भी चल रहा है। ये चार नाम तो चल ही रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं अगर ब्राह्मण चेहरा ही लड़ाया जाएगा तो दिनेश शर्मा भी हो सकते हैं, सुधांशु त्रिवेदी भी हो सकते हैं, लेकिन सब इधर उधर की बातें हैं, कोई भी कंक्रीट चेहरा नहीं आ रहा है। हालांकि बीजेपी में एक सेक्शन वो भी है जो वरुण गांधी से हमदर्दी लगता है, उन्हें लगता है कि अगर पीलीभीत से टिकट कटा है तो कहीं रायबरेली से ना मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना भी अभी कम लग रही है। लेकिन सबकी नज़र तो यही है कि विपक्ष अपना चेहरा दे। समाजवादी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बना रही है कि गांधी परिवार को ही चुनाव लड़ाया जाए। समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हमने रायबरेली अमेठी सीट तो गांधी परिवार के लिए छोड़ी है, तो क्यों गांधी परिवार वहां पर चुनाव नहीं लड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जैसी खबरें आ रही है कि अखिलेश यादव भी नहीं चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपी के जो एक तरीके से विपक्ष के बड़े चेहरे हैं वो चुनाव से बाहर ही दिखें, क्योंकि मायावती खुद तो चुनाव शायद नहीं ही लड़ेंगी। अगर अखिलेश भी नहीं लड़ते हैं और राहुल प्रियंका का भी कुछ कंफर्मेशन नहीं होता है तो विपक्ष की ओर से सारे बड़े चेहरे तो इस बार चुनावी मैदान में फिर कैसे दिखेंगे। हालांकि राहुल गांधी से जुड़े सूत्रों की माने तो राहुल गांधी की थोड़ी संभावना इस बात की जरूर है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो कन्फ्यूज़न है ये बढ़ता ही जा रहा है और इसका सलूशन अभी फिलहाल तो कुछ निकलता नहीं आ रहा है। इसी असमंजस में इंडिया अलायंस के सपोर्टर्स भी पड़े हुए हैं कि आखिर ये कब ये कन्फ्यूज़न क्लियर हो। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी। इस तरह की तमाम इनसाइड स्टोरी आप देखते रहिए यूपी तक।